हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमा कृषि चैनल में स्वागत है आप सभी का। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई ढेर सारी। तो हम टॉपिक लेके आए हैं आंखों की जांच करने का सही तरीका क्या है। आप ऑप्टिशियन हैं, कहीं पे आपकी ऑप्टिकल शॉप है या आप कहीं किसी हॉस्पिटल में आप जाँच कर रहे हैं आंखों की, तो सही तरीका स्टार्टिंग का क्या होता है। सबसे पहले पेशेंट आता है, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेना है। तो दोस्तों, वीडियो तो चल ही रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो हम ये बताने जा रहे थे आंखों की जांच करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले पेशेंट आता है, उसकी आपको हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री मीन्स हो गया क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम की वजह से वो आपके पास आया है। तो पहले आप हिस्ट्री मेंटेन करिए, आप डायरी में कहीं भी एक हिस्ट्री मेंटेन करिए, नॉर्मल हिस्ट्री जो होती है पेशेंट की। उसके बाद आपको टार्च एग्जामिनेशन, आंखों की प्रॉब्लम है, टार्च एग्जामिनेशन करना है। आंखों में राइट और लेफ्ट में सबसे पहले राइट की स्टार्टिंग करते हैं देखने की, तो उससे आपको रफ टफ आइडिया लग जाएगा प्रॉब्लम क्या है। इचिंग है, जलन है, खुजली है, कुछ इस तरह की तो प्रॉब्लम नहीं है कि कैटरेक्ट वगैरह है। तो आपको सबसे पहले टार्च हिस्ट्री लेने के बाद आपको टार्च एग्जामिनेशन करना है। टार्च एग्जामिनेशन राइट से स्टार्ट करना है। अच्छा, राइट से स्टार्ट तो करना है। अगर पेशेंट आपसे कहता है मेरी लेफ्ट में प्रॉब्लम है, लेफ्ट आई प्रॉब्लम है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। उस समय अगर पेशेंट कह देता है कि मुझे लेफ्ट में प्रॉब्लम, तो आपको राइट नहीं चेक करना, पहले लेफ्ट ही चेक करना है। अदरवाइज अगर नहीं कहता है नॉर्मल तरीके से, आपको स्टार्ट करना है राइट की। पेशेंट अगर नहीं कह रहा है कि लेफ्ट में प्रॉब्लम है, तो आपको राइट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट तक जांच करनी है। कह देता है तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो टार्च एग्जामिनेशन के बाद आते हैं हम ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन पे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरह से होते हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं, प्रैक्टिकली बता भी रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता क्या है, ऑब्जेक्टिव जो रिफ्लेक्शन होता है, एक कई तरीके से आप ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। अब आप बताएंगे किस तरह से ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन होता है, सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन होता है, तो हम आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं। आप ऑटो रिफ्लेक्टर मीटर जानते ही हैं, AR ऑटो रिफ्लेक्टर मीटर जो मशीन होती है, आप देख पा रहे होंगे, तो दिखाइए ऑटो रिफ्लेक्टर मीटर, ऑटो रिफ्लेक्टर मीटर मशीन है। अगर आपसे कहा जाए कि ये जो है ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन करती है मशीन या सब्जेक्टिव, तो बिल्कुल अब ये इंटरफेरोमीटर जो होता है ये ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन करता है। ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन करने के कई तरीके होते हैं, उसको हम बता रहे हैं आपको, सारे बता रहे हैं। मैनुअल ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर ऑटो मशीन है ये, इसका ऑब्जेक्टिव का मैनुअल भी होता है, मैनुअल रिफ्लेक्शन भी होता है, वो भी मैं बता रहा हूँ। ये आप देख लें, ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर से हम ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन चेक करते हैं पेशेंट की। ऐसा नहीं किसी के अकॉर्डिंग हम नंबर दे देते हैं, वो भी मैं बताता हूँ सब्जेक्टिव क्या होता है। पहले आप ऑब्जेक्टिव जाने, सबसे पहले नंबर निकालने का ऑब्जेक्टिव तरीका ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर। जिस समय ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर नहीं था, उस समय हम लोग इस मशीन का इस्तेमाल करते थे। आप लोग बताएं इस मशीन का क्या नाम है, इंडियन है ये, इसमें अपडेटेड भी आ चुके हैं, तो हमने रखा हुआ है, आप देखेंगे इसमें, इसको जला के भी चेक कर सकते हैं, ये जलाया भी जा सकता है, जलती भी है मशीन, आप तक नहीं देख पा रहे होंगे दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रेटिनोस्कोपी है। रेटिनोस्कोप से हम ऑब्जेक्टिव रिफ्रेक्शन करते हैं। जिस समय ऑटो रिफ्रेक्टोमीटर नहीं था, अभी भी कुछ ऐसे पुराने डॉक्टर हैं जो रेटिनोस्कोप ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे प्रयागराज में ये डॉक्टर दास जी हैं, वो आज तक ऑटो रिफ्रेक्टोमीटर इस्तेमाल नहीं किए, रेटिनोस्कोप से ही नंबर निकालते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है इसका मैनुअल। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ये जो है रेटिनोस्कोप है, इंडियन है, ये भी अपडेटेड हो चुका है, हमने नहीं रखा हुआ है, इसको रखा हुआ है ताकि ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर है तो फिर इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा यूनिक तरीका था रिफ्लेक्शन चेक करने का। दोस्तों, हमने एक नंबर पे ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं, दूसरा आप रेटिनोस्कोप कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर नहीं है, ये क्या होता है, इसकी कॉस्ट भी कम होती है। ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन के एक और तरीका आया हुआ है, अभी लेटेस्ट में चल रहा है, जो होम टू होम, डोर टू डोर कह सकते हैं, काम करने का सबसे आसान तरीका। काम कैसे करते हैं, अगर आप काम कहीं कर रहे हैं, आपके पास ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन के लिए ऑटो रिफ्लेक्टोमीटर मशीन नहीं अवेलेबल है या ले जाने में आप असमर्थ हैं, तो कैरी करने के लिए सबसे बेटर मशीन है। हमने एक वीडियो भी शॉर्ट में बनाया है, लॉन्ग में मैंने दिया हुआ है इस चीज का, आई क्लिक मशीन, इसको आप ले जाके ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन चेक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों,
चाहे यार मशीन हो या आपकी रेटिनोस्कोप हो या आपका आई क्लिक हो, ये अथराइज नहीं, डायरेक्ट इसके बाद आप पावर दे दें। पावर नहीं दिया जा सकता, ऑब्जेक्टिव रिफ्रेक्शन के बाद पावर नहीं दे सकते आप। पावर देना सबसे अच्छा होता है जब तक आप सब्जेक्टिव रिफ्रेक्शन ना करें। अब सब्जेक्टिव रिफ्रेक्शन आ गया, तो सब्जेक्टिव रिफ्रेक्शन क्या होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो हमारा सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन होता है वही मेन होता है जो मैनुअल आई टेस्टिंग जिसको बोलते हैं। अब हम आगे मैनुअल आई टेस्टिंग, जो सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन होता है वो ट्रायल लेंस सेट होता है, ट्रायल लेंस बॉक्स होता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें डिस्टेंस विजन चेक किया जाता है, नियर विजन, नियर विजन चेक करने के लिए आपके चार्ट होते हैं नियर के, देख पा रहे होंगे। किसी का डिजिटल भी आता है, आप डिजिटल भी रख सकते हैं। और डिस्टेंस विजन के लिए आप विजन ड्रम भी रख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो है विजन ड्रम आते हैं, ये नॉर्मल है, मैनुअल है, ऑटो भी आता है इस तरह से। तो ये हो गया डिस्टेंस के लिए सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन, ये हो गया चार्ट, नियर के लिए सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन। तो अब ये सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन करते किससे है, ये ट्रायल बॉक्स है। तब तक ऑथेंटिक आप चश्मे के लिए नहीं हो जाते जब तक आप मैनुअली आंखों की जांच नहीं कर लेते। आप तब तक चश्मा नहीं दे सकते, तब तक चश्मे का नंबर नहीं सेटिस्फाई कर सकते, दिया जा सकता, जब तक कि हम ट्रायल लेंस सेट से, ट्रायल लेंस से पेशेंट को दिखा के पढ़ा के 6x6 विजन तक हम उसका उसको पढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे 6x6 विजन हम आपको दिखाएं तो लास्ट की लाइन, ये सबसे छोटी लाइन, इसको 6x6 विजन कहते हैं। 6x6 विजन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लेटर होता है इसको हमें 18 फीट, ये जो हमारा 6x6 विजन होता है सबसे छोटा अक्षर हमें 18 फीट पे देखना होता है। 18 फीट पे 6 मीटर हमें देखना है। ये 18 फीट डिस्टेंस अगर नहीं क्लियर हो रही है, जैसे आपकी ऑप्टिकल साफ में 60 पड़ रहा है, कोई मित्र अगर ये जानना चाहे कि ऑप्टिकल साफ 18 फीट की डिस्टेंस नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ शीशे से आपको डिस्टेंस को कवर कर देना, जस्ट डबल कर देना है। जैसे आप मिरर वहां लगाएंगे, आपकी ये 9 फीट, मेरी आप देख पा रहे होंगे कि 9 फीट की डिस्टेंस है, ये कवर्ड हो गए, इस पट्टी पे आपने मिरर लगा दिया तो ये हमारा 18 फीट कवर कर रहा है। बाय द वे आपकी शॉप या ऑप्टिशियन की शॉप किसी भी भाई की डिस्टेंस नहीं है तो आप मिरर लगा के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्टेंस को। तो हमने बताया सबसे पहले आंखों की जांच के तरीके में आपको हमने पॉइंट टू पॉइंट पहले हिस्ट्री लेना है पेशेंट की दोस्तों, सबसे पहले दूसरा टार्च एग्जामिनेशन करना है, उसके बाद आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आगे आप ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन पे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन करेंगे, तरीके बहुत सारे हैं, मशीनें कई हैं। उसके बाद हम आते हैं सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन पे, नंबर आपका निकल गया, आप चश्मा प्रेफर कर सकते हैं सामने वाले को कि चश्मा वो बनवाएं, चश्मा अच्छे से अच्छे उसको चूज करने के तरीके बताइए, कौन सा अच्छा रहेगा फेस कटिंग के हिसाब से, और लेंस के बारे में उसको आप बता सकते हैं अच्छे से अच्छे। और कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऐसे नंबर नहीं निकल पा रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं एक और समस्या जैसे इसमें आती है। तो 6x6 अगर जैसे होता है कि 6x6 अगर पेशेंट नहीं देख पा रहा है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं जैसे 6x6 जो विजन हमने अभी बताया आपको 18 फीट की दूरी अगर नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें और आगे भी चेकअप करना होता है उनका। अगर वहां तक नहीं देख पा रहा है छोटा, उसे हम बड़ा पढ़ाते हैं, 6x9 पढ़ाएंगे, 6x12 तक रखेंगे। अच्छा, उसके बाद भी कोई समस्या